आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वीरू बाइक चला रहा था और किशन वीरू के पीछे बैठकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल वो दोनों अपने एक तीसरे दोस्त समीर के नए घर की पूजा में गए हुए थे और अभी फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे हैं। हालांकि समीर ने दोनों को उसके नए घर में रुकने के लिए कहा था, पर क्योंकि कल ही कॉलेज में दोनों का एग्जाम था इसलिए दोनों समीर को मना करके घर के लिए निकल गए। बाइक चलाते हुए ही वीरू ने एक नज़र अपनी हाथ घड़ी पर डाला तो समय देखकर हैरानगी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। वक्त पानी की तरह बह रहा था, जो कि गर्मी के मौसम में स्वाभाविक ही था। वीरू अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे किशन ने कहा, समीर ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया है मगर बहुत ऑफ एरिया में, क्यों? इस पर वीरू बोला, बात तो तेरी ठीक है पर आने वाले कुछ सालों में ये एरिया भी लोगों से भरी जाएगा। दरअसल वो दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फिलहाल वो दोनों जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। बहुत देर से उन दोनों को कोई दुकान भी नहीं दिखा था जहां वो दोनों थोड़ा ब्रेक ले सकें, मगर ज्यादा देर तक ये परेशानी टिकी नहीं। थोड़ा और आगे जाते ही उन दोनों को सामने की तरफ एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान नजर आया। उन दोनों ने सोचा कि उन्हें यहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ ठंडा वंडा पी लिया जाए, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक को ठीक उस दुकान के पास रोका और दुकान के अंदर चले गए। वहाँ आसपास 2-4 घर भी थे। अभी वो दोनों दुकान की एक चेयर पर बैठकर ठंडा पी ही रहे थे कि तभी उस दुकानदार ने उन दोनों से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुकानदार की बात सुनकर किशन ने जवाब दिया, जी हम तो बेलपुर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार ने कहा, बेलपुर? अच्छा, शॉर्टकट रास्ते से जाइएगा? इस पर वीरू ने दुकानदार से पूछा, शॉर्टकट रास्ता? कौन सा शॉर्टकट रास्ता? हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से बेलपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है? हमें पता नहीं था। इस पर दुकानदार ने कहा, शॉर्टकट रास्ता तो है मगर उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर किशन बोला, अच्छा वो रास्ता किधर है, बस आप हमें इतना बता दीजिए। किशन की बात सुनकर दुकानदार ने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। पूरा रास्ता उन दोनों ने समझ लिया, जिसके बाद वो दोनों मुश्किल से 5 मिनट ही उस दुकान में रहे होंगे और फिर दुकानदार के पैसे चुकाकर दोनों बाइक पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक वीरू की घड़ी में 10:30 बज रहे थे वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। तभी किशन ने बाइक चला रहे वीरू से कहा, वो दुकानदार ने जो रास्ता बताया समझ लिया ना तूने? इस पर वीरू ने कहा, हाँ समझ लिया पर उसने तो कहा था कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ना यार, हम लोग सीधे रास्ते से ही चलते हैं। इस पर किशन ने कहा, अबे नहीं यार, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे और कल एग्जाम भी तो है हमारा, जितना जल्दी घर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीरू को भी लगा किशन ठीक ही बोल रहा है, इसलिए वो भी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद उनकी बाइक उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता सीधा जाता था और एक शॉर्टकट, लिहाजा वीरू ने बाइक को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो शॉर्टकट रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और घने जंगलों में घिरा हुआ था।
उस रास्ते पर भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वीरू ने किशन से कहा, भाई इस रास्ते पर जाना है, छोड़ना यार, वापस लौट जाते हैं। मगर किशन वो कहां किसी की सुनने वाला था। उसने वीरू की एक ना सुनी और चुपचाप उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। वीरू उसकी बात मानकर चुपचाप बाइक चलाता रहा। हालांकि वीरू भी डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं उस रास्ते पर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से आती किशन की एक आवाज ने उसकी सारी बेचैनी को जैसे खत्म कर दिया। वीरू वो देख, इस रास्ते पर किसी का घर भी है और तू इस रास्ते से आने से डर रहा था। वीरू ने रोड के एक किनारे पर देखा तो सच में रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी सी औरत झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर वीरू मन ही मन में मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो कितना डरपोक है, छोटी छोटी बातों में वो कितना डर जाता है। मगर वीरू को एक और बात ये भी अजीब लग रही थी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अपने घर के बाहर झाड़ू क्यों लगा रही है। आम तौर पर तो झाड़ू शाम को लगाया जाता है। खैर, वीरू ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाइक चलाता रहा। उस रास्ते को लेकर वीरू के मन में जो डर था वो अब पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। मगर उसे पता नहीं था कि असल डर से तो अभी उसका सामना ही नहीं हुआ है। आने वाले खतरे से अनजान वीरू और किशन गाना गुनगुनाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीरू की नजर रोड के किनारे बनी उसी झोपड़ी पर गई जिसे अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों पार करके आए थे। इस झोपड़ी के बाहर भी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है, जिस चीज को वो लोग पार कर चुके हैं वही चीज दोबारा कैसे दिख सकती है। वीरू का डर अचानक से सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने कांपती आवाज में पीछे बैठे किशन से कहा, भाई वो देख, फिर से वही झोपड़ी बुढ़िया। वीरू की बात सुनकर किशन ने उस तरफ देखा। पहले तो वो भी थोड़ा चौंक सा गया, पर क्योंकि किशन बहुत ही हिम्मत वाला था इसलिए उसने वीरू से कहा, जरूरी थोड़ी है ये वही झोपड़ी और वही बुढ़िया हो, हमने उस बुढ़िया को करीब से थोड़ी देखा है। किशन ने वीरू का डर कम करने के लिए ये बोल तो दिया था, मगर वो भी समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। वीरू भी अब काफी डरने लगा था, मगर उन दोनों के पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के दूसरा कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने वही किया, उस झोपड़ी को पार करके वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उन्हें तीसरी बार वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। अब तो वीरू की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, मगर किशन वो अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था। उसने वीरू को बोलकर बाइक को उस झोपड़ी के पास रुकवाया और फिर वीरू से कहा, जरा अपनी हाथ घड़ी देना। तो वीरू इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे अपनी हाथ घड़ी पकड़ा दी। किशन ने वीरू के हाथ से घड़ी लिया और उस घड़ी को उस झोपड़ी के पास जमीन पर फेंक दिया और वीरू से आगे चलने के लिए कहा। वीरू को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये किशन कर तो कर क्या रहा है, मगर उसके पास किशन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था इसलिए उसने बाइक को आगे बढ़ा लिया। वहां से कुछ आगे जाते ही उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। उस झोपड़ी के पास ही में वीरू की घड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। वीरू ने अपनी घड़ी के पास बाइक रोका और बाइक से नीचे उतरकर किशन घड़ी को देखने लगा। किशन ने जब
घड़ी को हाथों से उठाकर वक्त देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि जब उसने घड़ी को जमीन पर फेंका था तब भी वक्त 12:05 का ही हो रहा था। किशन समझ गया कि वो लोग छलावे के जाल में फंस चुके हैं और अब उनका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी किशन ने वीरू से कहा, देख तू डर मत, बस तू बाइक चलाते रहना, मैं जब तक बाइक रोकने के लिए ना कहूं तू बाइक मत रोकना। चूंकि किशन एक पंडित का लड़का था तो वीरू का इस पर विश्वास करना बनता भी था, जिस वजह से वीरू ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वीरू ने जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया तभी किशन ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से भभूत की पुड़िया निकाली और भभूत को रास्ते पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रहा था, मगर जैसे जैसे वो बोल रहा था वीरू को उस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। और इस तरह से उस रात किशन की समझदारी के चलते दोनों की जान बच गई। मगर वो रास्ता कहते हैं कि उस पर अभी भी छलावों का राज है और रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।